पर यहाँ से देखो GT 650, वाह मारी थी टक्कर, शाबाश। मेरे को ये बाइक बहुत ही पसंद है, मतलब रॉयल एनफील्ड की सबसे फेवरेट मेरी बाइक यही वाली है। बाय द वे गाइस, वेलकम बैक टू मोटर स्प्रिट्स। आज हम जा रहे हैं संडे राइड पे। एज यू नो, राइड के साथ व्लॉग बनाना भी जरूरी है। इसी के साथ इस बाइक की स्टेबिलिटी देखो, जहर, सीधा जहर। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हूँ। मेरा आज का प्लान एंजल फॉल्स जाने का है। एंजल फॉल्स गांधरबल उसका निकनेम है भाई साहब। अब ये मत बताना कोई एंजल फॉल्स बोल के पता नहीं कहाँ ले गया। ये वाला वाटरफॉल आपको मतलब मेन गांधरबल चौक में मिल जाएगा। आपके साथ गाड़ी बाइक जो भी है बिल्कुल उसके साथ में लग जाएगी आपकी। चलना एक कदम भी नहीं है। और यहाँ पे देखो क्या स्प्रिंग है ग्रीन कलर का। वाओ यार, बढ़िया बढ़िया, मारो मारो छोटू, ये वेरी गुड। मेरा भी जी कर रहा है मैं छलांग मारूं इसमें। स्विमिंग तो मेरे पास है नहीं। आई होप गाइज उस वाटरफॉल में आज पानी हो, अदरवाइज मेरे को सूखे हाथ लौटना पड़ेगा क्योंकि पानी तो होगा नहीं। ओ भाई, तेरे को कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। एंड डिस्टेंस की बात करूँ तो श्रीनगर से आपको ये 15 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा। यहाँ से हर किसी साइड से यार बच्चे नहा रहे हैं नंगे पुंगे, गर्मी का एहसास। वाह, वैसे यार मेरे को गर्मी नहीं लगती ज़्यादा, अभी है भी नहीं यार, बहुत ही बढ़िया मौसम है कश्मीर में। 27 degrees, 28 degrees, यार 30 भी हो जाए, उससे ज़्यादा भी हो जाए, मतलब अभी वो, लेकिन वो कांस्टेंट विंड जो होती है ना वो चलती रहती है, यहाँ पे दरख्त हिलते रहते हैं, सो टेम्परेचर का रियल फील कभी नहीं आता यहाँ पे। जब मुझे एक बाइकिंग की वो फील वाली ज़रूरत होती है ना, लाइक हाथों में खुजली, तभी मैं ये यामाहा R15 यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसका फील अलग है भाई। अभी हम बस पहुँचने ही वाले हैं अपने वाटरफॉल के पास। यहाँ पे गाड़ियाँ तो रुक के हैं, होना चाहिए यहीं पे कहीं यूपी है क्या। अरे यार वाटरफॉल में तो पानी ही नहीं है। बिना पानी के वाटरफॉल, बहुत ही कम पानी है यार इसमें तो। चलो अब आ ही गई है तो थोड़ा सा रुक भी लेते हैं। वाटरफॉल में पानी तो कम है लेकिन ठंड का एहसास तो है। फ्रेंड्स, मेरे को नहीं पता इस पे एंगल कैसा आ रहा है, बट ये वाला नियरली 75 डिग्रीज के एंगल पे है, देख लो गाइस क्या एंगल है इसका। सोचो जब पूरा वाटरफॉल होता होगा तब कैसा लगता होगा। वाटरफॉल तो दिखा नहीं, तो अभी हम कहीं और ही चलते हैं। वाटरफॉल की भरपाई करने के लिए अब मैं आपको एक ब्रिज ले चलता हूँ जो कि हिडन ब्रिज है। टूरिस्ट सारे ही आते हैं मेन ब्रिजेस यहाँ के देखने के लिए, लेकिन वो वाला ब्रिज ना अंदर से है, आप कुछ भी करो वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, मतलब आपको वहाँ से लेगा ही नहीं कोई भाई साहब। तो अभी मैं वही कवर कर देता हूँ। ये वाला ब्रिज भी गांधरबल में ही है, अभी हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, और यही रीज़न है कि आप लोगों को वो ब्रिज कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको मेन रोड से अंदर जाना पड़ता है। आपको क्यों फ्रेंड्स कोई वहाँ पे बिना किसी काम के लेगा।
और ये वाला रोड भी मोहल्ले के अंदर से जाता है। ये वाले स्पीड ब्रेकर्स मेरे को बहुत पसंद है, मतलब स्पीड ब्रेकर तो है, बीच में से बाइक के लिए रास्ता रखा है। स्पीड ब्रेकर बनाने वाला खुद बाइकर होगा ज़रूर। यहाँ से कहीं पे राइट है, शायद यही है। बस गाइज अभी हम पहुंचने ही वाले हैं ब्रिज के पास, मतलब मेन रोड से बस ही 1-2 किलोमीटर अंदर है और ये ब्रिज आप सारे मिस करते हो। क्या ब्रिज है यहाँ पे, और नीचे से भी क्या सीन है बैठने का, नहाने का, सारे सीन्स देखो क्या बढ़िया है। ब्रिज की लुक देखो भाई, क्या बढ़िया ब्रिज है। और वहाँ से देखो बच्चे भी नहा रहे हैं। अब बताओ गाइज ये वाली ब्रिज देखी है क्या तुम लोगों ने? नहीं देखी होगी। ओ क्या विंड है यहाँ पे भैया, क्या पानी है, जबरदस्त सीन देखो यहाँ पे। इसको नहीं मिस करना चाहिए था भाई। तो फ्रेंड्स ये था ब्रिज, पहले नाम कंफर्म करता हूं इस ब्रिज को क्या बोलते हैं, मेरे को पता ही नहीं है। ये निहामा। ओके ओके, तो गाइज इस ब्रिज को यानी हम ब्रिज बोलते हैं, नहीं सुना होगा आप लोगों ने कभी भी, गारंटी के साथ। इस तरह से आज की वीडियो वेस्ट नहीं हुई, दिखाना तो कुछ था लेकिन दिखाना कुछ और पड़ा। एनीवेज गाइज ये था संडे राइड व्लॉग, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।